क्या ख्याल आते हैं? मैं पहली दफ़ा आया हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है यहाँ पर आकर, और मेरे आने का बहाना ये बना के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो कल्चर के भी मिनिस्टर हैं, तो एजुकेशन की वजह से उनसे बहुत इंटरेक्शन होता रहता है। तो उन्होंने मुझे बताया कि इस साल हो रहा है लाहौती फेस्टिवल, तो मैंने कहा ये तो बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी होगी, तो एक सेशन हम अभी बात करने जा रहे हैं ऊपर। तो मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा है, कराची से बहुत लोग आए हैं और स्टूडेंट्स के लिए जहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करें, अपने आप को एक्सप्रेस करने की बात करें, आई थिंक ये जामशोरों में होना, ये सारी चीज़ें कराची में होती है, ये बहुत ज़बरदस्त बात है कि जामशोरों में हो रहा है और इसलिए हम सब ट्रैवल करके आए यहाँ पर। अपने सेशन के बारे में थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताइए, व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट? इट्स ऑल अबाउट अगेन वो अपने आप को एक्सप्रेस करने वाली बात है, थ्रू म्यूज़िक, थ्रू कल्चर, हर तरीके से आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनी फीलिंग्स, अपनी बात। और वो कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच तो होती है, फ्रीडम आफ्टर स्पीच नहीं होती, तो आई थिंक इस बात पर डिबेट होगी। अच्छा, एक चीज़ होती है, हम इस तरह के फेस्टिवल्स जो हैं कराची, लाहौर, ऑल ओवर द पाकिस्तान देख रहे हैं, लेकिन इसको, इसके जो इम्पैक्ट है उसको गेज करने के लिए डू यू फील समथिंग कि इसको इसको किस तरह से गेज किया जाए या गेज किया जा रहा है, या सिर्फ कुछ ये कोई रेस तो होनी रही कि जिसमें एक जीत जाएगा एक हार जाएगा, कोई KPI सेट नहीं हो सकती। इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं वो पूरे कल्चर की, पूरी सोसाइटी की री इंजीनियरिंग में पार्ट प्ले करते हैं, तो ये सक्सेसफुल, इसकी सक्सेस ही है कि ये हो रहा है, और ऑब्वियसली बहुत सक्सेसफुल है, इतने लोग आए हुए हैं। बट इस तरह के इवेंट्स पर अगर लोग ना भी आए ना तो भी ये सिलसिला चलता रहना चाहिए। बट आज बहुत खुशी की बात है कि इतनी आवाम आई हुई है, इतने स्टार्स आए हुए हैं कराची से, तो आई थिंक ये बहुत ज़बरदस्त है। थैंक यू।